अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कैनवा कैसे यूज करते हैं और कैसे कैनवा के ऊपर हम डिजाइनिंग करने के बाद फाइबर के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। इस मुकम्मल वीडियो में आपको कैनवा कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स बने बनाए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, या अगर आपने न्यू टेम्पलेट बनाना है उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या फिर जो बने बने टेम्पलेट्स हैं उनको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। ये सारा कैनवा के जो टूल्स हैं इस्तेमाल हो रहे हैं वो, और इसके बाद फाइवर के ऊपर कैनवा के थ्रू जो है लोग अर्निंग कर रहे हैं उनकी गिग्स देखने के बाद मैं आपको उसका आइडिया वगैरह दे दूंगा कि फाइवर के थ्रू जो है वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मुकम्मल आपने ये वीडियो देखनी है, कैसे कैनवा हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैनवा प्रो जो है वो हम फ्री में हासिल कर सकते हैं इसका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए, और कैसे हम एडिटिंग वगैरह इसमें आगे कर सकते हैं। तो अगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ये फ्री में कैनवा का कोर्स है आपको, जो कि आप अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखें फेसबुक पे, तो लोग जो है वो काफी पैसों में जो है इस कोर्स को बेच रहे हैं, और वो भी इतनी डिटेल में नहीं बता रहे। मैं जो है वो आपको ये कोर्स फ्री में दे रहा हूँ, सारी डिटेल आपको एक एक टूल के बारे में बताया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या है, कैनवा के अंदर कैसे आप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। आप जो है वो आप ये समझ लें कि इस 1 घंटे की वीडियो के बाद आप जो है अपने आप में क्या फर्क पाएंगे वो आप इस वीडियो में देख सकती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं जी। हम canva.com पे आ गए हैं। हम canva.com, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कैनवा प्रो का जो है वो अकाउंट कैसे हासिल करना है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और ऊपर सजेशन में आपको मैं जो वीडियो आप जो देख रहे हैं यूट्यूब में इसके राइट कॉर्नर पे एक सजेशन जो है आई का डॉट बटन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो डायरेक्ट आप वहां पे भी जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने canva.com पे आ जाना है। ये मेरा जो है वो प्रो अकाउंट मेरे पास है, इसका एक्सेस लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखा दूं कि कैनवा प्रो अगर अकाउंट ना हो तो आपने कैनवा प्रो लेना कैसे है, वो वीडियो देखने वाला पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैनवा प्रो में हम क्या क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, सॉरी कैनवा प्रो में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम कैनवा जो है हमने अगर प्रीमियम इसका अकाउंट ना लिया हुआ हो तो हम क्या क्या इस्तेमाल चीजें नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट कैनवा प्रो नहीं है तो आप जो है वो रिसाइज नहीं किसी भी इमेज को कर सकते, जो प्रीमियम इनके डिजाइन होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको जो है वो फ्री में सारा कुछ सिखाया जाएगा कि आपने विदाउट पेमेंट जो है वो कैसे कैनवा प्रो का अकाउंट हासिल करना है, उसके बाद कैसे जो है इनका सारा आगे एडिटिंग वगैरह करनी है। ठीक है, बजाय इसके क्या फोटोशॉप इस्तेमाल करें, इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करें, बने बनाए आपके पास टेम्पलेट है और लाखों की तादाद में यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ से इस्तेमाल करें और आगे जो है अपना काम शुरू करें फाइबर के ऊपर। फाइबर के ऊपर बेचने हैं आपने, या यहाँ पे आप लोकल भी बेच सकते हैं, यहाँ से आप अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपवर्क के लिए, क्योंकि फाइबर आपको पता है बिगिनर्स के लिए होता है, वहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह लोग बनाते हैं, फिर अपवर्क की तरफ जाते हैं, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो लगाते हैं तो लोग जो है वो क्लाइंट आ सकते हैं। आप सिंपल क्या करें, यहाँ से अपना पोर्टफोलियो जनरेट करें, खुद बनाएं, डिजाइन करें लोगों के लिए। ठीक है, फ्री में करें सब कुछ, आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा, या अपने लिए करना है तो अपने लिए कर लें। आप जो है वो हर किस्म की चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की, और उसके बाद काफ़ी कुछ है यहाँ पे। आगे हम जो है एक्सप्लोर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो ये जो है हमारा प्रीमियम अकाउंट नहीं है, इसके ऊपर मैं ये देखें प्रीमियम में कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल करता है, ये कह रहे हैं ट्राई इट फ्री फॉर 30 डेज। ठीक है, आपने पेमेंट करने के बाद पहले 30 दिन जो है वो फ्री होंगे, उसके बाद आपकी जो है वो पैसे कटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने फ्री में अकाउंट ले लेना है। उसके बाद ये आ गया जी, मैं हम प्रो के ऊपर यहाँ देखें, ये यहाँ पे इसके ऊपर मैंने जैसे ही वो किया तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा ऐसा, कि ट्राई आपने ट्रायल जो है वो करना है। ठीक है, चलते हैं होम पेज के ऊपर, क्या क्या कर सकते हैं आप इसके ऊपर। व्हाइट बोर्ड्स वगैरह बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोज, वेबसाइट्स, उसके बाद और भी यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो नीचे आपको ये इन्फोग्राफिक्स, फोटो कोलाज है, ठीक है, और डेस्कटॉप वॉलपेपर हैं, ग्राफ्स हैं, उसके बाद बुक कवर्स हैं, यहाँ से आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, इसमें बेताजा चीज़ें भरी पड़ी हैं आपके लिए। ठीक है, जूम वर्चुअल बैकग्राउंड है, उसके बाद वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे भरा पड़ा है, आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, क्रिएटेड डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाइट बोर्ड आपने बनाना चाहते हैं,
फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं, फेसबुक कवर फ्लायर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब बैनर बनाना चाहते हैं, थंबनेल, लोग थंबनेल से काफी बना के जो है यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कस्टम साइज रखना है अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने विड्थ और हाइट, लेट्स सपोज आपके पास क्लाइंट आता है फाइवर से या किसी भी वेबसाइट से या किसी भी यहाँ पे लोकल पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है। वो कहता है मुझे इतने साइज का आपके जो है वो क्या चाहिए, डिजाइन चाहिए। तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज वो मुझे कहता है जी विड्थ होनी चाहिए 2000 और इसकी हाइट जो है वो 1000 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। आप पिक्सल में भी रख सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इंचेस में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ज्यादातर पिक्सल में चलता है। तो यहाँ पे हम पिक्सल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे एक न्यू टैब खुलेगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैनवस बना हुआ आ जाएगा, जैसे हम फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और एक बार याद रखनी है, ये सारा कुछ इंटरनेट के साथ चलता है। कभी आप ऑफलाइन चला रहे हो तो कहें जी ये चल नहीं रहा, इंटरनेट होना लाजमी है आपके लिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी है, ठीक है। ये साथ इन्होंने जो है वो टेम्पलेट इससे रिलेटेड जो है साथ बने बनाए दे दिए इन्होंने, ठीक है। आप यहाँ से टेम्पलेट अगर यूज करना चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, आपको नहीं आइडिया आ रहा कि मैंने क्या डिजाइन करना है तो ये टेम्पलेट आ रहे हैं, आप सिंपल किसी भी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके इस कैनवस के ऊपर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये हमें पता है कि हमने प्रो अकाउंट खरीदा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा आ रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अकाउंट जो है वो प्रो नहीं है, क्रिएटेड डिजाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया, कस्टम साइज यहाँ पे 2000, 1000, सॉरी, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्रिएट किया, यहाँ पे हमारे पास, मैं साथ साथ आपको दोनों बताता रहूंगा ताकि आपको अगर गलती कोई आ भी जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको साथ साथ पता हो। थोड़ा तो टाइम ले रहा है लोड होने में, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आज जो है वो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, पता नहीं क्या है, मसला बना हुआ है। खैर छोड़ें, आप इससे लेना देना कोई नहीं आपका। चलें, जब तक ये लोड होता है हम अगला देखते हैं। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक के बाद आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्रो योर बिजनेस नाउ या कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो कि आपके क्लाइंट की डिमांड होगी, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ, अगर आपने रंग चेंज करना है, इनका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, आप जाते हैं कि यहाँ से आपने क्या करना है, टेक्स्ट कलर के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट कलर के यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे इन्होंने कलर कुछ दे दिए हैं, ठीक है, डिफॉल्ट कलर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो मुझे कलर चाहिए वो इसमें नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास पूरा एक पैनल खुल जाएगा, जैसे फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में आपके पास कलर पैलेट खुल जाती है, ठीक है। यहाँ से आप जो कलर चाहते हैं उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वो आप यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैं वही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको वापस ले जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी दबाएंगे आप, कंट्रोल जी दबाने के बाद वापिस जो है वो एक स्टेप पीछे, फिर दो बार दबाएंगे तो दो स्टेप पीछे, इतना ये बैकवर्ड जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले टेम्पलेट्स हो गए, टेम्पलेट्स आपने देख लिए सारे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने तौर पे सारा कुछ। मैं चलता हूँ उसके बाद एलिमेंट्स पे। एलिमेंट में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले आ रही है लाइंस एंड शेप्स, सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है आपने, आपके पास सारा कुछ यहाँ पे पैनल ये खुल जाएगा। लाइन आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ पे ये ड्रॉ कर देगा। छोटी बड़ी करनी है आप यहाँ से छोटी बड़ी अपने तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट के ऊपर बटन दबाएंगे तो डिलीट खत्म हो जाएगी। अगर आपने डॉटेड लाइन लगानी है तो ये डॉटेड लाइन भी बन सकती है, जैसे आप चाहें अपनी मर्जी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एरो बनाना है, डबल एरो बनाना है, जो भी बनाना है आपने। यहाँ पे ये कस्टम शेप्स हैं, जितने भी आप शेप बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं यहाँ से आप देखें, अपनी मर्जी से आप देखें। मैं जो है वो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने जो ड्रा करनी है यहाँ पे ड्रा करें। प्लस के ऊपर शाइन करेंगे, देखें प्लस आ गया। इसका कलर चेंज करना है, यहीं से ये कलर चेंज हो जाएगा, आपको मैंने जैसे पहले बताया। कलर नहीं रखना तो आप यहाँ पे नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, इसका गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लैक करेंगे तो ब्लैक आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम चलते हैं शेप्स के ऊपर दोबारा। यहाँ पे देखें एक्सप्लोर करते रहेंगे नीचे और खुलती चली जाएंगी। मैं आपको सारी जो है वो नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ आपको इसका हिंट वगैरह देंगे, ठीक है। आगे उसके बाद आ रही ग्राफिक्स, सी एल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ग्राफिक्स वगैरह भी आ सकते हैं आपके पास। यहाँ पे आप कार्टून ये देखें ऐड करें तो ये कार्टून आ जाएगा, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा,
स्टिकर वगैरह ये ऐड किया तो ये थोड़े से मोशन में है स्टिकर, ठीक है। एनिमेशन लगी हुई है इनके ऊपर, एनिमेशन आपको पता है कि कोई भी डिजाइन जो है वो अगर मूव कर रहा हो तो एनिमेट कर रहा हो, अपनी जगह से हिल रहा हो, ठीक है, तो उसको एनिमेशन वगैरह कहते हैं। अभी हम इसको डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अपने अपनी अपनी आसानी के लिए या अपनी जो है वो जरूरत के मुताबिक यहाँ से जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद यहाँ पे नीचे जो है वो फोटोज हैं, अगर आप फोटोज लगाना चाहते हैं किसी की कोई भी, यहाँ पे आपको बने बनाए जो है फोटोज मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इसके ऊपर मैं क्लिक किया है, देखें फोटो आपके पास आ गया है। रिसाइज करना चाहिए आप रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी चाहिए आपको, ठीक हो गया। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे देखें डुप्लीकेट का ये बटन आ रहा है, इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये डबल हो जाएगी, ठीक है। मैं जो है इसको डुप्लीकेट फिलहाल अभी नहीं कर रहा। डिलीट करना, डिलीट के ऊपर बटन, या भी यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके और मोर ऑप्शन आ जाएंगे, आप क्या करना चाहते हैं इस तस्वीर के साथ। डिलीट, कॉपी पेस्ट, एनिमेट, कमेंट, लिंक, या सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ठीक है, या फिर अप्लाई कलर टू पेज। सेट इमेज एज बैकग्राउंड करेंगे तो ये अपने आप को इस पूरे कैनवास के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये देखें पहले मैंने जब इसको पुट किया था तो मैं जो है इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये तस्वीर थोड़ी सी क्या हो रही है, बाहर चली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब इसकी भाई की जो ये देखें ये कैप जो है ये गायब हो गई है, इधर से लैपटॉप जो है वो आधा गायब हो गया, इसको जब मैं वापस लेकर आऊंगा तो वो डिलीट हो चुका है। तो आपने ये नहीं करना, बजाय इसके कि ये हो सब कुछ, ठीक है, कंट्रोल जी, आपने क्या करना है यहाँ से क्लिक करने के बाद सेट इमेज तो बैकग्राउंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना, डिलीट करने के बाद यहाँ से आप ये जो है तस्वीर कोई भी लेंगे आप, यहाँ पे प्रो जो है प्रो के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तब भी ये आ जाएगा, ठीक हो गया। मैं इसको यहीं से आप अगर ये ऑप्शन आपके पास जो है वो यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, या फिर आपने राइट क्लिक करना है यहाँ से, यहाँ पे भी बैकग्राउंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सेट एज बैकग्राउंड हो गए, ठीक है। थोड़ा सा इसने जो है वो नीचे से वो कर दिया, नीचे से थोड़ा सा, क्योंकि ये इसने अपने आप को हिला लिया है इस बैकग्राउंड के मुताबिक, तो थोड़ा सा यहाँ से क्या हो गया स्किप हो गया। तो आपने जो है वो अपने मुताबिक इसको सेटअप कर लेना है, या अगर आप बाहर से कोई तस्वीर लाना चाहते हैं वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बाहर से आप अपनी तस्वीर कोई लाना चाहें तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रही। बैक करते हैं, ये लें जी। अब ये वाला जो है ये खुल गया है हमारे पास नॉन प्रो, ठीक है। वो वाला तो मैंने बता दिया आपको, जो प्रो अकाउंट था उसमें सब कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, हमें कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन मैं अगर आपको प्रो अकाउंट ना हो हमारे पास, ये मैंने ओपन किया है, ये वाला ओपन हो गया क्योंकि ये प्रो नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे ये क्या हमसे मांग रहा है, स्पीक टू योर टीम ओनर अबाउट अपग्रेडिंग, ठीक है। मैंने कहा जी अपग्रेड करने के लिए अपनी टीम को कहें फिलहाल छोड़ें इसको, हमें नहीं जरूरत इसकी, ठीक है। तो यहाँ से प्रो जितने भी डिजाइन है आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। और कुछ ऐसे डिजाइन आते हैं जिसमें वाटर मार्क लगा हुआ होता है कैनवा का, इस तस्वीर में वाटर मार्क नहीं लगा हुआ, कुछ ऐसे डिजाइन हमारे पास आएंगे कि जिसमें जो है वो कैनवा का वाटर मार्क भी लगा हुआ हो सकता है। एड न्यू पेज, ये देखें अब ये कैनवा का जो है वो बैकग्राउंड पे वाटर मार्क लगा हुआ है, तो आपने ऐसे डिजाइन नहीं बनाने, ठीक है। ये क्योंकि प्रो अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास प्रो अकाउंट हो तो ये कभी भी नहीं वाटर मार्क आएगा। कैनवा के यहाँ पे वाटर मार्क लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये इसके ऊपर थोड़ा सेट हुआ हुआ है, ये देखें जैसे मैंने इसको वो किया तो यहाँ पे देखें ये तस्वीर, क्योंकि वो सेटअप थोड़ी सी हुई हुई थी, ये देखें जी ये कैनवा का जो है वो वाटर मार्क लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपने ऐसे तस्वीरें, क्योंकि ये कैनवा प्रो नहीं है, अगर प्रो नहीं होगा तो आपके पास यूं तस्वीरों में एक वाटर मार्क लगा हुआ होगा, तो वाटर मार्क वाली आपने तस्वीरें जो है वो बैड इंप्रेशन जाता है क्लाइंट के ऊपर के लिए, इसने जो है वो कैनवा का प्रो अकाउंट भी नहीं लिया हुआ, तो ये क्या डिजाइनिंग मुझे करके देगा,
ठीक है ना। तो इसलिए इसका फायदा ये होगा, प्रो अकाउंट का ये फायदा होगा कि आपके पास ये तस्वीर जो है वो बगैर वाटरमार्क है, ये सारा नाम इसका मिट जाएगा। ठीक है, चलते हैं वापस अपने उस पे टेम्पलेट्स पे, एलिमेंट्स। वी हैड ट्रबल लोडिंग एन इनिशियल सेट ऑफ रिजल्ट प्लस रीलोड द पेज टू गिव इट अनदर। पेज को रीलोड करेंगे। चलें, आपके पास भी ये एरर आ सकता है, आपने पेज को रिफ्रेश कर लेना है इसको, तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, फोटोज भी होगी। अब यहाँ से आप वीडियोस वगैरह भी लगा सकते हैं, आप वीडियोस वगैरह 15 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, कोई भी आप वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको मैंने लगाया, ये देखें वीडियो चल रही है, ठीक है, लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रही है। तो यहाँ से आप वीडियो वगैरह भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं अभी इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, आपके अपनी मर्जी से यहाँ पे वीडियो लगा लेनी है अपनी, अगर लाना चाहते हैं बाहर से तो वो भी ला सकते हैं, उसका भी तरीका मैं सारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम, वीडियोस वगैरह भी होगी, ऑडियो को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑडियो वगैरह भी लग सकता है। उसके बाद ऑडियो कैसे वो लगाते हैं मैं आपको ये बार बताता हूँ, अभी फिलहाल इसको छोड़ें। चार्ट्स वगैरह जो आपने कभी देखा होगा प्रेजेंटेशन में, चार्ट वगैरह बने होते हैं कि ये इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है, इसको भी सीओल करेंगे आप, इसमें से भी जो चार्ट लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, ये देखें सारा चार्ट जो है सारा यहाँ पे शो हो गया। यहाँ से आप बाय डे उसमें से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे जिसके ऊपर भी, यहाँ पे 0 से क्या हो जाएगा देखें, जैसे मैंने यहाँ पे 5 किया, नेक्स्ट पे गया मैं 1 सीरीज 1 5, इसको मैंने 10 कर दिया, नेक्स्ट पे गया, ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने 15 से 20 कर दिया, जैसे मैं नेक्स्ट पे करूंगा ये देखिए बढ़ गया सारा। ठीक है ना, तो ये 20 तक आ गया सारा। इस तरह ही क्या होता रहेगा, चेंज वगैरह होता रहेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके बाद गूगल शीट या ये भी वगैरह ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, कि आपने जो है वो इसको क्या कर लेना है सारा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे शेप्स वगैरह ले लेनी है और उसको चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा नहीं, हम नीचे चलते हैं और आगे नीचे टेबल, टेबल को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि टेबल वगैरह ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। नीचे आ गए फ्रेम्स, ये फ्रेम्स वो होते हैं कि जिसमें आप कोई भी तस्वीर जो है वो ला के लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये फ्रेम ले आया, ठीक है, अब उसको फ्रेम को क्या करेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं अपलोड्स पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने ये तस्वीर लेकर आया, अगर मैं यहाँ पे वैसे ही अपनी तस्वीर ला के छोड़ दूंगा तो ये देखें बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज था ये सेम टू सेम वैसे ही रहा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसके फ्रेम के अंदर लाके इसको रखूंगा तो ये क्या हो गया, इसके अंदर जैसे फोटोशॉप के अंदर हम पावर क्लिपिंग करते हैं ना, ठीक है, सॉरी फोटोशॉप में नहीं, ये हम करते हैं इसमें कोरल ड्रा में, कोरल ड्रा में पावर क्लिपिंग करते हैं, फोटोशॉप में हम जो है वो क्लिपिंग मास्क वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तस्वीर जो है इसके इसकी बाउंड्री जो है वो तय हो जाती है। कोई भी तस्वीर आप लाके यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर फ्रेम के ऊपर तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फ्रेम को भी, एलिमेंट्स में चलते हैं फ्रेम। अब फ्रेम जो है वो किसी भी किस्म का लगा सकते हैं सारा, अगर आपने ये फ्रेम लगाना तो यहाँ पे तस्वीर अपलोड में अब जाएं फ्रेम लाके यहाँ छोड़ें तो ये फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसी भी किस्म का आप फ्रेम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, ले नहीं फ्रेम्स और ग्रिड्स वगैरह है ये। आप यहाँ पे अगर आप जैसे कोलाज वगैरह बनते हैं, तीन तीन तस्वीरों का आप लगा सकते हैं, चार चार तस्वीरों का लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोलाज वगैरह हम बनाते हैं तस्वीरों के, उसके बाद ये कलेक्शन वगैरह है, ये अपने तौर पर आपने क्या कर लेनी है, सारी एक्सप्लोर कर लेनी है। मैं इतना डिटेल में इसको कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है, आपने खुद देख लेना, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, ये चीजें बताने वाली इतनी खास नहीं है, जो जो चीजें थी बताने वाली वो मैंने सारी आपको बता दी है। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे आते हैं हमारे पास अपलोड्स। अपलोड ये होता है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर इमेज कोई अपलोड करनी है आपने गैलरी में जो आपकी पड़ी है, आपकी जो है डायरेक्टरी में पड़ी है, कंप्यूटर में पड़ी है कहीं पे, अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपको कंप्यूटर में ले आएगा जहां से आपको चाहिए। आप वहां से क्या कर सकते हैं, पिक्चर में पड़ी है अगर यहाँ, या कहीं भी आपकी जो है वो क्या पड़ी है, कोई तस्वीर वगैरह पड़ी है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, ओके करें, तो आपकी ये तस्वीर क्या हो जाएगी, अपलोड ये मेरी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, पहले हुई भी थी, ये जो है यहाँ पे मैंने बाहर से लेकर आया हूँ सारे। ठीक है,
उसके बाद अगर आप वीडियो लाना चाहते हैं तो वीडियो में भी आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो लानी है तो यहाँ से वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे आप वीडियो भी ला सकते हैं। ऑडियो क्लिप को ही लाना चाहते हैं तो ऑडियो क्लिप अगर आपका गूगल ड्राइव में पड़ा है कहीं पे वहां से भी ला सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में पड़ा है, फेसबुक पे पड़ा है, इंस्टाग्राम पे पड़ा है, कहीं भी पड़ा है आप कुछ भी लाना चाहते हैं ठीक है। तो आप क्या करें वहां से ड्रैग है ड्रैग करना है आपने यहाँ पे लाके छोड़ देना ठीक है, तो ये अपलोड खुद ही ऑटोमेटिकली कर देगा, इतना ऑप्शन इसके अंदर है। इमेज वीडियो ऑडियो तीनों चीजें आप ला सकते हैं यहाँ पे, ये अपलोडिंग हो सकती है आप। उसके बाद आप यहाँ पे लाके इसको ड्रैग करेंगे, सिंपल यहाँ पे लाके इसको ड्रैग करेंगे ठीक है, इस तस्वीर को लाके इसको ड्रैग करेंगे, इस तस्वीर को लाके इसको ड्रैग करेंगे, कुछ भी आप ड्रैग करना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सारा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट के ये कुछ स्टाइल है हमारे पास, फॉन्ट्स वगैरह जो है फॉन्ट्स के ये कुछ प्रीसेट दिए हुए टेक्स्ट हैं ऐसे, इसको क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे ये आ गया है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये ले ये आ गया ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको अगर टेक्स्ट अगर आपने इस तरह का स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, इसको टेक्स्ट को चेंज करना है डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा चेंज होता रहेगा आपने इसको सारे को। चेंज किया, एंटर किया, एंटर किया आप उसके बाद निचली लाइन में चले जाएंगे, ये क्या हो गया है ये तीन चार जो हैं वो लगातार आ गए हैं। ठीक है आप, और मैंने तीन चार बार क्लिक किया था इसलिए जो है वो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे वो आता रहेगा, वो तीन चार आ गए थे इसलिए जो है बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा था, तो थोड़ा सा आपने टाइम वो है वो इसके ऊपर थोड़ा इंतजार कर लेना। ये वाला आप स्टाइल लगाना चाहते हैं तो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि आप जिसको क्लिक करेंगे यहाँ पे हम हमजा लिख रहे हैं तो देखें ये हमजा यूं पे लिखा जा सकता है ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो किसी भी किस्म का आप टेक्स्ट वगैरह क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं जो बने बने टेम्पलेट हैं ठीक है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ अभी। अच्छा उसके बाद अगर आप सिंपल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं सिंपल तो यहाँ पे ऐड अ हेडिंग, एड अ सब हेडिंग, एड अ टाइटल, बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा एड हेडिंग, इसके ऊपर आपने सिंगल लाके छोड़ देना क्लिक को, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना है, यहाँ पे छोड़ने के बाद लिखने के बाद आप इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है आपने टेक्स्ट के सारे, अगर आपको जो आपने यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज रखना है, फॉन्ट फैमिली जो भी रखनी है आपको जुबानी याद है यहाँ पे आप लिखेंगे ठीक है वो आ जाएगा, अगर आपको नहीं याद तो यहाँ से आप सैंपल वगैरह देख सकते हैं ठीक है, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक चेंज होता रहेगा ठीक है, जैसे फोटोशॉप और नॉर्मल उसमें होते हैं सारे सॉफ्टवेयर में ठीक हो गया जी, जो आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं हम, इसका साइज वगैरह आ गया, माइनस के ऊपर करेंगे तो फॉन्ट साइज छोटा होता रहेगा, प्लस के ऊपर करेंगे तो फॉन्ट साइज क्या होता रहेगा बड़ा होता रहेगा। ये आ गया इसका कलर, कलर मैंने आपको पहले बता दिया है कि कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट कलर्स हैं। ठीक है उसके बाद अगर आपको इन कलर में से कोई कलर नहीं चाहिए ऑटोमेटिकली ये क्या है बोल्ड है ठीक है, बोल्ड बोल्ड होने के बाद अच्छा इसके बाद आपने अब ये बोल्ड का ऑप्शन जो है वो इनेबल हुआ डिसेबल हुआ है ठीक है, इटैलिक करना है इटैलिक कर देंगे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन लानी है तो अंडरलाइन ला सकते हैं, ये सारे ऑप्शन वो है। ये जो अलाइनमेंट है सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हैं, साइड पे करना है ये आपको अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि सिंगल टेक्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो इस तरफ अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी, यहाँ पे करेंगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो ये लेफ्ट लाइन या राइट लाइन सब कुछ वैसे ही है जैसा हम सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फोटोशॉप जिसमें भी हम सीखते हैं सारा ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ये बुलेट्स पॉइंट है, आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो बुलेट्स आ जाएंगे ठीक है, उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग है, अगर आपने लेटर स्पेसिंग रखनी है इसकी वैल्यू को आप बढ़ाते रहेंगे तो देखें लेटर के अंदर जो है हर HAMZA ठीक है इसके अंदर जो है वो स्पेसिंग क्या हो रही है बढ़ रही है ठीक हो गया, इसको वापस लेके आए नॉर्मल पे ठीक
ये जो लाइन स्पेसिंग, इन दोनों लाइंस के दरमियान स्पेसिंग अगर आपने बढ़ानी है कम करनी है तो देखें लाइन स्पेसिंग के अंदर क्या हो रही है, लाइन स्पेसिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को भी फिलहाल छोड़ दें, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होने। अच्छा जी, आगे हम क्या करते हैं, चलते हैं स्टाइल्स की तरफ। अब ये कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं कि इसमें अगर आप इनको सिंपल क्लिक करेंगे ना तो आपके पूरे डिजाइन का स्टाइल चेंज कर देंगे। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने ये डिजाइन ले लिया, ठीक है। आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डिजाइन को एक सिंगल क्लिक के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। इसके फॉन्ट वगैरह सब कुछ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। अब आपको यहाँ से जो चाहिए होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिकेंगे, सारे फॉन्ट वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। देखें ये तो थोड़ा सा वो लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने स्टाइल को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं चेंज। तो पहले वाला ही अच्छा लग रहा था, सबसे इसी को ले आते हैं हम वापस, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज हो गए हैं तो यहाँ पे आपने वापिस जाना है तो कंट्रोल जी दबा के आप वापिस अपने पुराने डिजाइन पर आ सकते हैं, ये लेने, ठीक है। जितनी बार कंट्रोल जी दबाते रहेंगे बैक स्पेस जाता रहेगा उतनी बार, ठीक है ना। ये लेने, ये स्टाइल्स हो गए सारे। फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें फॉन्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो भी आप चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो, अब यहाँ पे ऑडियो वगैरह अगर आप अपने स्टाइल इसमें ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो वगैरह आएंगे आपके यहाँ, इसके ऊपर तो ऑडियो की जरूरत कोई नहीं है हमें तो इसमें, इसलिए फिलहाल इसको फिलहाल मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें ऑडियो की जरूरत नहीं है इसलिए जो है ऑडियो नहीं आ रहा। आपकी ऑडियो वगैरह उसमें आ सकती है जिसमें आप जो है वो प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हैं या एनिमेशन किसी में बन रहे हैं, ठीक है, उसमें आप ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑडियो की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल तस्वीर है तो इसलिए इसमें ऑडियो नहीं आ रहा। उसके बाद लोगोज, योर लोगोज अपेयर हेयर, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड लोगोज हेयर, PNG, SVG एंड JPG आर एक्सेप्टेड फॉर्मेट फॉर लोगो। यहाँ पे आपने क्या करना है, कहीं अगर आपके लोगोज वगैरह पड़े हैं तो आपने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर देने हैं वहां से, ठीक है। यहाँ पे आपके लोगोज वगैरह शो हो जाएंगे, वैसे सिंपल इसके अंदर पहले भी लोगोज पड़े होते हैं। यहाँ से अगर मोर के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास सारे जो है वो फोटोज, वीडियोज, बैकग्राउंड, चार्ट, फोल्डर, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा इस और खुल के सामने आ जाएगा। अगर आपने इनमें से कुछ और चीजें लगानी है तो यहाँ पे भी आप उनको भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। गिफ इमेज हो गया, पेक्सल हो गया, ये वेबसाइट वगैरह है, ठीक है, उनके ऊपर आप जा सकते हैं, वहां से आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे जहां तक लगता है कि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है इसलिए आप इनको फिलहाल छोड़ें, टेम्पलेट्स पे चलते हैं। अच्छा जी, टेम्पलेट के ऊपर मैं आपको और चलता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया हमने, इसी को रहने देते हैं टेक्स्ट। इसको मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये आ रहा है जी इफेक्ट्स, अगर आपने इफेक्ट्स लगाने हैं टेक्स्ट के ऊपर, ये मैंने लगाया, ये देखें शेडो आ गया, ये मैंने लगाया तो नीचे थोड़ा सा ग्लो आ गया। इंटेंसिटी इसकी आप ज्यादा या कम कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, जो भी आप इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। थिकनेस वगैरह बढ़ानी है कम करनी है इसमें आप देखें, जो आपको चाहिए अच्छा लगा है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमने एनिमेशन पे, अगर आप इसमें थोड़ी सी एनिमेशन लगाना चाहते हैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें तो ये यूं आएगा, यहाँ पे करें, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ होवर करना है आपने, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने करेक्टर्स के ऊपर लानी है, वर्ड के ऊपर लानी है, लाइन या एलिमेंट्स वगैरह जितना भी जिसके ऊपर आपने जो एनिमेशन वगैरह लगानी है, तो यहाँ पे देखें ये वाली देखें, ऐसे ये एनिमेशन भी लग सकती है सारी, ठीक है। तो जिस किस्म की आप एनिमेशन वगैरह चाहते हैं तो आपको ये एनिमेशन क्या हो जाएगी, इस किस्म की एनिमेशन वो लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन आपने अपने मुताबिक सारी चेकआउट कर लेनी है। रिमूव एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो है वो टेक्स्ट पहले के ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये एड हेडलाइन जो है वो लोअर केस में लिखा हुआ है कुछ, इसका पहला दफा अपर केस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा जो है वो अपर केस हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप वो करेंगे वापस तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाता है ये लॉक, ओनली लॉक रिप्लेसिंग कंटेंट, ये क्या होता है, इसको लॉक कर देगा। अब इसको ना आप हिला नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी आप क्या करते हैं ये लॉक हो गए यहाँ पे, इसको आप मूव नहीं कर सकते। ये ले जी, अभी अनलॉक हो गया,
ये लोडिंग में इसने काफी टाइम लगा दिया। खैर चलें छोड़े। अच्छा ये अनलॉक हो गया हमारे पास, इसका हम दोबारा एडिट वगैरह कर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है ये हो गया। अब आ जाती है पोजीशन की बारी। पोजीशन में मैं आपको जो है वो एक हेडिंग ये कर लेता हूँ, एक हेडिंग ये कर लेता हूँ, और एक टाइटल लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है अब यहाँ से आपने क्या करना है, पोजीशन। पोजीशन क्या होती है कि आप चाहते हैं कि ये मेरा टेक्स्ट जो है ना, ये मेरे जो डिजाइन है इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के आपने क्या करना है, डिजाइन को क्लिक करना है। यहां से सॉरी, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से आपने क्या करना है, पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। अब पोजीशन क्या होती है कि ये टॉप पे आना चाहिए तो टॉप पे आ जाएगा, मिडल में आना चाहिए तो मिडल में आ जाएगा, बॉटम पे आना चाहिए तो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है लेफ्ट आपने करना है तो लेफ्ट पे चला जाएगा, सेंटर में लाना है तो सेंटर में आ जाएगा, राइट पे करना है तो राइट में आ जाएगा। ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जी मैं इस और इसको जो है ना सेंटर लाइन कर दूँ। आपने शिफ्ट दबा के ना इसको भी क्लिक कर लेना। अब ये डबल सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है ग्रुप करना चाहते हैं आप, ग्रुप कर दें ताकि ये दोनों जो है जो भी हम चेंजिंग करें इन दोनों पे ऊपर इकट्ठी हो रही है। हम ग्रुप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है हम क्या करते हैं, पोजीशन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं मिडल का बटन दबाऊंगा तो दोनों क्या हो गए हैं, मिडल आ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। देखें ठीक है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसको भी प्रेस करना है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और सिंगल क्लिक करना है इसके ऊपर। सेंटर करूंगा तो ये देखें दोनों जो है सेंटर लाइन एक जैसे हो गए हैं। ठीक है उसके बाद अगर आप इनको पेज पे लाना चाहते हैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे करें, यहाँ से पोजीशन करें, मिडल में करें तो ये मिडल में आ गए हैं। फिलहाल हमें चाहिए नहीं मिडल। ठीक हो गया मिडल में एक दोनों दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए थे इसलिए जो है वो चेंजिंग इतनी खास नजर नहीं आ रही थी। अब चाहते हैं ये भी इसके इसके सेंटर में आ जाए, इसके बाद शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट करेंगे, ये दबाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, सेंटर करेंगे तो दोनों सेंटर लाइन हो जाएंगे, बॉटम पे करना है तो दोनों बॉटम करेंगे। ठीक है लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही इसना, तो हमने क्या कर दिया, कंट्रोल जी दबाएंगे तो आप सेल वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है या कोई भी तस्वीर है या कुछ भी है, आप क्या करें उसका जो है वो थिकनेस या हार्डनेस जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखें जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ उसकी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ट्रांसपेरेंट में हम आर पार देख सकते हैं, सिंपल ये आप समझ सकते हैं। ठीक है थिकनेस और हार्डनेस होती है किसी भी चीज की, ट्रांसपेरेंसी। ये देखें जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वापस आ रहा है, जैसे मैंने कम किया गायब हो गया, जीरो की तो खत्म। ऐसे ऐसे मैं उसको बढ़ाता रहूंगा, ऐसा ऐसा क्या होता रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट से वापस ठीक होता रहेगा। ठीक है तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है। उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर कोई लिंक या कुछ भी करना है आपने तो आप लिंक वगैरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करें तो दूसरे डिजाइन के ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल ये इतना इस्तेमाल कोई नहीं होता, सिंपल इसको छोड़ दें। अच्छा जी उसके बाद मैं आपको जरा अगली चीज दिखाता हूँ जी। मैं यहाँ पे करता हूँ अपलोड्स में जाता हूँ, अपलोड में लाकर मैंने तस्वीर ले आया। ठीक है अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। एडिट इमेज में सबसे पहला ऑप्शन आता है जी आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली थोड़ा सा लोड करेगा, लोड करने के बाद बैकग्राउंड इसका क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ले ली देखा बैकग्राउंड क्या किया इसने, 1 मिनट में डिलीट, ये इसने बैकग्राउंड उड़ा दिया सारा। आराम से हम इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें तस्वीर कितनी प्यारी लग रही है, बैकग्राउंड जो है वो 1 सेकंड में इसने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड तस्वीरों के डिलीट करने के बाद जो है वो वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद एडिट के ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह आपने अगर बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, कम करनी है तो कम कर सकते हैं, वैसे ये वो बुरा ही लगेगा। कॉन्ट्रास्ट है, सिचुएशन है, इनके ऊपर फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। देखें फिल्टर जो आपके मोबाइल में आम ऐप्स में भी इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे फिल्टर वगैरह जो आपको पसंद है वहाँ पे लगा सकते हैं, इंटेंसिटी इसके बढ़ानी है कम करनी है। उसके बाद ये मॉकअप्स वगैरह है इसको फिलहाल अभी छोड़ दें। फोटोजेनिक इनमें से आपको मेरा ख्याल है कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत, ये तस्वीरें किसना की बन के आ गई हैं। ठीक है ये बुरे ही लगते हैं इसलिए फिलहाल इनको रहने दें आप। ठीक है
छोड़े। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ गया, डिलीट किया मैंने, तस्वीर वापस लेकर आया। यहां से आ गया क्रॉप का बटन, आप क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर लें तस्वीर को, छोटी छोटी करना चाहते हैं ये क्रॉप सिंपल आप कर सकते हैं, एंटर कहेंगे तो आपकी तस्वीर छोटी हो जाएगी। फ्लिप करनी है आपने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल करनी है, फ्लिप होता है अपने आपको ना मिरर कर लेते हैं तस्वीर, वर्टिकल की तो देखें उल्टी हो गई, ठीक है मिरर कर लिया, हॉरिजॉन्टल की तो ये तस्वीर वहां पे हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये तस्वीरें यूं भी कर सकते हैं, आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं कि आपको अगर लेफ्ट की जगह राइट चाहिए तो राइट कर सकते हैं, फ्लिप वगैरह पे आप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कैनवा की बेसिक सारी चीजें। टेम्पलेट अगर आपको बने बनाए चाहिए तो आपने क्या करना है, कैनवा के होम पेज पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है सिंपल। अगर आपको फेसबुक पोस्ट चाहिए क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद ये बेतहाशा फेसबुक पोस्ट आ गए हैं, ठीक है। आपने कोई भी एडिट करनी है, कुछ भी बनाना है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक न्यू टैब में खोल के दे देगा, ये डिजाइन बना बनाया आया है, आपने इसको एडिट करना है, एडिट करना है, एडिट कर ले। तस्वीर मैं चाहता हूँ मैं जो है वो अपने ले आऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने ले आता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं लाऊंगा तो ये एडिट खुद ही एडजस्ट वगैरह कर देगी इसको, ठीक है ना। ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन ये वो सब कुछ आपने चेंज करना है, ये सारा कुछ आपको मैंने सारा बता दिया। आप चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे काफी सारा मिल जाएंगे। इस टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया तो ये देखें एसईओ स्ट्रेटजी सारा कुछ बताया, डिजिटल मीडिया ये सारे टेम्पलेट्स वगैरह आपके पास बने बनाए यहाँ पे पड़े हैं। ऑनलाइन कोर्स का अगर आपने कोई बनाना है तो ऑनलाइन कोर्स का भी यहाँ पे बना के बता सकते हैं कि हम ऑनलाइन कोर्स मुहैया कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट ये वो सब कुछ आप दे रहे हैं, ठीक है। वी आर हायरिंग का बनाना है आपने, वी आर हायरिंग का भी बना सकते हैं, किसी भी कंपनी के लिए आप जो है यहाँ पे अच्छे खासे जो है बने बनाए डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। सिंपल सिल्वर लैपटॉप एक्स डबल आई सीरीज 12 सीरीज, यानी कि कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सारा कुछ, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास बेसिक कैनवा को इस्तेमाल करना। अब हम चलते हैं फाइवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर आपने क्या करना है, फाइवर के ऊपर आ गए हम। फाइवर के ऊपर आपने अकाउंट अगर नहीं आपका बना हुआ अकाउंट तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फाइवर के ऊपर कैसे अकाउंट बना सकते हैं। और अब हम चलते हैं कैनवा को हम कैसे यूज करके फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा डिजाइन, सिंपल कैनवा डिजाइन लिखा मैंने यहाँ पे, 11,000 के करीब लोग जो है वो सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं अपनी। कैजुअल डिजाइन अ कैनवा टेम्पलेट्स फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, टॉप रेटेड सेलर है, देखें टॉप रेटेड आपको पता है $20,000 कमाने के बाद बनता है, यानी सिर्फ कैनवा से बने बनाए डिजाइन जो है ये उसको एडिट करने के बाद आपकी पोस्ट वगैरह बना के दे रहे हैं, ठीक है। काफी क्लाइंट्स को इतना खास पता नहीं होता कि हमने कैसे जो है वो डिजाइन वगैरह बनवाने हैं, काफी क्लाइंट्स को पता होता है, खैर वो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोगों को हायर करते हैं, सिंपल यहाँ पे आके लोगों से क्या कर सकते हैं बनवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पे टॉप रेटेड पहले 4-5 की आपने क्या कर लेनी है, यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये क्या क्या दे रहे हैं, आई विल डिजाइन है, बिजनेस कार्ड ये वो सारा कुछ यहाँ पे लिखे, आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं इसने क्या क्या लिखा हुआ है, मैगजीन ब्रोशर हर चीज आप ले सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 2017 में इसने ये जो है मेंबर है इसका, उसके बाद क्लाइंट भी इसके पास अच्छे खासे जो है वो बने बनाए बड़े डिजाइन है, ठीक है। वन ऑर्डर इन क्यू $30 से स्टार्ट कर रहा है, और ये जो है बंदा मीडिया पोस्ट जो बना रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग, इसकी आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेनी है, ठीक है। इनमें से आपने क्या कर लेना है, ये यूक्रेन से है बंदा और एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर December 2018 से है। उसके बाद आपने ऐसे ही 3-4 लोगों की क्या कर लेनी है, गिग्स वगैरह सारी देख लेनी है। इसके फाइवर के ऊपर मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो वगैरह देख सकते हैं, आप कीवर्ड सर्च और कैनवा सारा कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां से देखें। उसके बाद फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाए अपना, अकाउंट बनाने के बाद अपनी गिग्स बनाए, पहले न्यू सेलर के लिए 7 गिग्स बना सकते हैं, वो सातों आप कैनवा के मुताबिक बना दें कि मैं कैनवा में आपको ये करके दूंगा, ठीक है। कैसे आपने बाय रिक्वेस्ट लेनी है, अब 11,000 लोगों में से आपको जो है वो ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइवर जो है वो आपको पता है टॉप रेटेड के जो बंदे होते हैं जो उनको बिजनेस वगैरह बना के दे रहे होते हैं उनको ही वो ऊपर लेकर आता है। आपने क्या करना है, सारा मैंने ट्रिक्स बताई हुई है कि आपने कैसे कैनवा के ऊपर भी सॉरी फाइवर के ऊपर जो है वो हिडन बाय रिक्वेस्ट कैसे ढूंढनी है। दिन की आपको 10 बाय रिक्वेस्ट मिलती है, अब 10 के 10 जो है वो इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद आपने क्या करना है, कोई ना कोई आपको 10 में से 1 आधा बंदा जो है वो मैसेज लाजमी करेगा, उसके ऑर्डर लें। शुरू में आप बेशक अपनी प्राइस कम रखें, देखें $30-20 से इन्होंने शुरू किया हुआ है तो इनको ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं,
आपने भी यही करना सारा, ठीक है। डिटेल में सारी आप देख सकते हैं, डिजाइन एनीथिंग इन कैनवा, ये सब कुछ उन्होंने बनाया हुआ सारा। तो अब यहाँ से देख के कॉपी करके सब कुछ, कॉपी नहीं करना आपने सच, आपने जो है यहाँ से देख लेना सारा डिटेल में सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आपको ये, ताकि वो भी जो है यहाँ से इस कोर्स को लेने के बाद, कैनवा को सीखने के बाद जो है वो फ्री में हमारा अकाउंट बनाने के बाद अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो जॉब्स वगैरह नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।